छिंदवाड़ा में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। आज भी कई जगह ना तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही सड़कें। ऐसी ही एक तस्वीर जुन्नार देव विकास खंड से सामने आई है, जहां पुल के अभाव में एक गर्भवती महिला को उफनती हुई नदी को पार कर प्रसव के लिए ले जाया गया। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के विकास और नेताओं के दावों की भी पोल खोल रही है। जुन्नार देव विकास खंड के टेका ढाना गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उफनती नदी को पार करना मजबूरी हो गई है। यह नजारा टेका ढाना गांव का है, जहां पर कुछ लोग एक गर्भवती महिला को प्रसव करवाने के लिए उसे खटिया पर लेटाकर उफनती हुई नदी के बीच से निकलकर रामपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे हैं। यह कोई स्टंट नहीं बल्कि गांव वालों की मजबूरी है। इसमें मरीज को तो खतरा बना ही रहता है, इसके साथ ही इनको ले जाने वाले भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। लोगों की माने तो इस गांव तक आने जाने के लिए सड़क तो बन गई है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है और ना ही इस दिशा में कोई प्रयास किए गए हैं। प्रशासन से इस नदी के लिए कई बार गुहार भी लगाया, कई बार कार्रवाई भी की, अनेक अधिकारियों से संपर्क भी साधा, परंतु स्वीकृति आज दिनांक तक नहीं हुआ है, जिसमें ग्रामवासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया है, परंतु किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जब भी बरसात का मौसम आता है तो ग्रामवासियों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। सिर्फ मरीज ही नहीं, स्कूल कॉलेज आने जाने वाले छात्र भी इस तरह से इस नदी को पार करते हैं। ग्रामीणों के द्वारा बार बार मांग करने के बावजूद भी अभी तक नदी पर पुल बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रामवासी भुगत रहे हैं और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। इसके कारण आज एक गर्भवती महिला को उफनती हुई नदी पार करा कर प्रसव हेतु ले जाना पड़ रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।